हेलो दोस्तों, मैं विनीता और मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेले। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप इन करेलों को बना के तैयार कर सकते हैं। ना आपको नमक लगाने की झंझट है, ना धूप में रखने की ज़रूरत है, फटाफट से ये बन जाएंगे। एक वीक के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं। छोटे बड़े सभी इनको खाएंगे क्योंकि इनमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आता, टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए फिर शुरू करते हैं गर्मियों की खास सब्जी, सेहत से भरपूर भरवा करेले बनाना। मैंने 500 ग्राम करेले लिए हैं जिनको अच्छे से धो के हमने छील लिया है। भरवा करेले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने करेले को देखिए छील लिया है और अब इसमें बीज में कट लगा के इसके सारे हम बीज निकाल देंगे। तो करेले के छिलके से मैं पराठा बनाने वाली हूँ जिसकी भी मैंने वीडियो पहले ही अपने चैनल पे डाल दी है, आप ज़रूर एक बार देखना, ट्राई करना, बहुत अमेजिंग लगता है। और ये सारे बीज भी देखिए हमने निकाल लिए हैं और ये एकदम कच्चे बीज हैं। अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ आपका बीज है तो आप उसको फेंक दें, नहीं तो आप उसको सब्जी बनाने के लिए, स्टफिंग बनाने के लिए यूज करें। और ये 4 प्याज है मैंने बिल्कुल काट के रख लिए हैं और 2-3 हरी मिर्च। प्याज आप थोड़ी सी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे ना तो एक तो आपका जो करेला है वो कड़वा नहीं लगेगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बच्चे भी इसको चाव से खा लेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाइए ये सब्जी, ज़्यादा टेस्टी लगती है सरसों के तेल से। तेल को अब अच्छे से हम गर्म होने देंगे। मैंने करेले में बिल्कुल भी नमक वगैरह लगा के नहीं रखा है, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो 10-15 मिनट के लिए उस पर नमक लगा के रख सकते हैं। मैंने सिर्फ 2-3 बार इसको पानी से धो लिया है। तेल गरम होते ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच जीरा और जीरे को चटकने देंगे। जीरा जैसे ही हमारा चटक जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज और ये 2 मिर्च मैंने जो हरी मिर्च है इनको इस तरह से लंबा काट के भी डाला है। प्याज को 2-3 मिनट तक हम भून लेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए और उसका कच्चा पन्ना निकल जाए, क्योंकि जो भरवा करेला होता है इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं एक वीक के लिए। तो इसका जो मसाला है वो आपको अच्छे से पकाना है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच बेसन, बहुत अच्छा टेस्ट आता है बेसन का। और थोड़ा बहुत भी जो करेले में कड़वापन होगा वो भी अगर आप बेसन इस तरह से डाल के भून लेंगे ना तो वो भी बिल्कुल निकल जाएगा। 1 मिनट तक इसको भूनेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पे ही रखी है ताकि कोई भी मसाला हमारा जले नहीं और अंदर तक अच्छे से भून जाए। अब जो करेले के हमने बीज धो के रखे थे वो डाल लेंगे। छिलके के मैंने पराठे बना लिए हैं, आपने अगर छिलका भी रखा है तो वो भी डाल लें इसी टाइम पे। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जैसे कि आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और 3-4 चम्मच भर के हम ये धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास सौंफ का पाउडर है तो वो भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया मसाला बन गया है। अब इसे 1-2 मिनट हम ढक के और पका लेंगे ताकि ये अच्छे से मसाला जो है प्याज के साथ भुन जाए और जो हमने मसाले इसके अंदर डाले हैं वो बिल्कुल भी कच्चे ना दिखें। तो देखिए मसाले को रेडी करने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब जो हमने करेले तैयार करके रखे थे छील के उनके अंदर इसको स्टफ कर देंगे। कितने बढ़िया लग रहा है, देखिए मसाला ऐसे ही खाने का मन करता है, ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रहा था। तो सारे करेले मैंने भर दिए। अब इनको आप चाहें तो एक धागा लेके हल्का हल्का इसके ऊपर लपेट सकते हैं ताकि बिल्कुल भी जो आपका मसाला है वो तेल के अंदर ना निकले। मैंने कुछ तो बांध दिए थे, कुछ ऐसे ही फ्राई कर लिए थे। और इनको फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल आपको नहीं लेना है, सैलो फ्राई कीजिए इनको। ये देखिए मैंने तेल डाल लिया, अब इसमें अपने करेले जो हमने रखे हुए थे ये डालेंगे तेल को गर्म होने के बाद। इतने अच्छे लग रहे हैं देखिए। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इनको स्टीम भी कर सकते हैं, किसी भी पतीले में पानी रख के उसके ऊपर जाले रख के आप इनको स्टीम कर लें, लेकिन फ्राई करने के बाद ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे पर्सनली।
मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, आप थोड़ा सा कम तेल लेके ही फ्राई कीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे टिप्स दूंगी, आप इन करेलों को हल्का हल्का बाइंड करके, मतलब थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर रील लपेट के ही इनको फ्राई कीजिए, ताकि बिल्कुल भी जो आपका मसाला है वो बिल्कुल भी निकले ना तेल के अंदर। लो टू मीडियम फ्लेम पे अब इनको अच्छा सा कलर आने तक करेलों को हमें फ्राई करना है। और ये करेले तो एक ही बार में आप खा जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं ये, बिल्कुल भी हमारे जो करेले हैं वो कड़वे नहीं बने। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इसमें खटाई के लिए अमचूर पाउडर डाला था, जब मेरा मसाला बनके तैयार हो गया था तो मैंने एक चम्मच भर के इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया था। अगर आपके पास कच्ची कैरी है तो उसको आप मसाला बनाते वक्त ही डाल दें, जैसे हमने बीज डाले थे ना करेले के, उसी टाइम पे आप कैरी को कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और एक देखिए, 3-4 मिनट में हमारे जो करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और ये जो तेल जिसमें थोड़ा थोड़ा नीचे मसाला रह जाता है ना, इसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ठंडा करने के बाद छलनी में छान लें तो जितना भी मसाला है वो ऊपर आ जाएगा और तेल आपका एकदम क्लीन, एकदम बढ़िया से सेपरेट हो जाएगा। सारे तरफ से हमें करेले को अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए, करेले हमारे फ्राई हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़िया करेले बने हैं, देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है ना, तो जल्दी से बना डालिए। बिल्कुल आसान रेसिपी मैंने दी है, ना तो आपको तेल वगैरह, इसमें कोई भी नमक वगैरह लगाने की झंझट है, फटाफट से बन जाते हैं। और इनको आप एक वीक के लिए चाहें तो फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं, कोई भी आप दाल रायता वगैरह बना के उसके साथ इनको इंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।